गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी सेल्फ रीड अ न्यू चैप्टर दैट इज एंटाइटल्ड एज द स्नेक एंड द मिरर। देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। द फर्स्ट वन इज डॉक्टर, अ डॉक्टर, एंड सेकेंड इज अ स्नेक। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन वी शुड रीड दीज लाइन्स। Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको दर्पण में खुद को देखना पसंद है, अर्थात क्या आप खुद को दर्पण में देखना पसंद करते हो? What do you think about at such times? उस समय जब आप दर्पण में देख रहे होते हैं उस समय आपको कैसा महसूस होता है या क्या सोचते हैं आप? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? क्या आपने कभी दर्पण में एक कुत्ता, बिल्ली या किसी पक्षी को देखते हुए देखा है? What do you think it sees? आपको क्या लगता है कि ये दर्पण में क्या देखते होंगे? तो ये जो कहानी है ये बेसिकली एक ह्यूमरस स्टोरी है जो कि एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर पर आधारित है। मिरर का इसमें क्या काम है ये तो हम कहानी जब शुरू करेंगे तब देखेंगे। इन ऑर्डर टू नो वट इज़ happened in this story, let's get started. Had the snake ever coiled itself round any part of her body? क्या किसी स्नेक ने अपने आप को coiled में होता है कुंडली मारना, इस तरह से बैठने को coiled कहते हैं। सांप जो कहीं बैठा रहता है तो इस तरह से कुंडली वो मारता है। तो क्या आपने किसी सांप को कुंडली मारते हुए कुंडली मारते हुए बैठा देखा है? राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो कहाँ आपके शरीर में क्या कभी किसी सांप ने लपेटा मारा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक फुल ब्लडेड कोबरा मीन्स एक खतरनाक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये प्रश्न जो है वो होम्योपैथ से आया है। होम्योपैथ कहते हैं ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ घर के की वस्तुओं से ही बनाई जाती हैं। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये जो प्रकरण आया वो कहाँ से आया? जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे या बहस कर रहे थे। वी लिसेंड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, हमने डॉक्टर को जैसे कि उसने कहानी को कहते हुए जारी रखा, हम उनको यानी डॉक्टर की कहानी को हमने बहुत अटेंटिवली सुना यानी ध्यानपूर्वक सुना। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह एक ग्रीष्मकालीन रात थी। अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। अब ये कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है। वो कह रहे हैं यह ग्रीष्मकालीन रातों की बात थी, लगभग 10 बजे जब मैंने खाना खाया कहाँ से, रेस्टोरेंट से, और मैं जब अपने रूम में वापस गया, अपने कमरे में वापस गया, आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, मैंने ऊपर से एक आवाज़ को सुना। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने अपने कमरे में ऊपर से एक आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, जो आवाज़ परिचित सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने यह आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी थी। वन कुड से दैट, कोई कह सकता था, द रैट्स चूहे एंड आई शेयर द रूम, कोई भी अनुमान लगा सकता था कि इस कमरे में मैं और चूहे रहा करते थे।
आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज. बॉक्स ऑफ मैचेज मीन्स जो माचिस होती है उसे मैंने बाहर निकाला एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. और टेबल में जो एक केरोसिन से जलने वाली जो लैम्प थी, चिमनी थी, उसे मैंने उसको उस माचिस की तीली से उसे जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इलेक्ट्रीफाइड मीन्स विद्युत, जिस घर में विद्युत नहीं थी. मेरे पास ऐसा घर था जिसके जिसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं थी, अर्थात बिजली की फिटिंग वहाँ पे नहीं हुई थी. इट वॉज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम. यह एक छोटा सा किराए का कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. और मैंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी. एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. और मेरी जो कमाई थी वो बहुत कम थी. मीगर मीन्स बहुत कम, वेरी स्मॉल, बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूट केस. और मेरे पास मेरे सूट केस में लगभग 60 रुपये थे. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज. और उस सूट केस में कुछ कमीजें और धोती थी. आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिट्री ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. और मेरे पास एक मात्र काला कोट था जिसको मैंने उस समय पहना हुआ था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट. मैंने अपना काला कोट उतारा. वाइट शर्ट, अपनी सफ़ेद कमीज एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. और उतनी सफ़ेद बनियान नहीं थी मेरे पास. वेस्ट कहते हैं जिसको हम कमीज़ के अंदर से पहनते हैं, जिसे हम आमतौर पर बंडी कहते हैं. तो एक ऐसी बनियान मेरे पास थी, एक ऐसी वेस्ट मेरे पास थी जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, अर्थात वह क्या थी, मैली थी. एंड हंग देम अप. और मैंने उनको टांग दिया, अर्थात जो डॉक्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, मैंने अपने काले कोट, सफ़ेद कमीज और मैली से दिखने वाली वेस्ट को खूंटी पर टांग दिया. आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम. मैंने कमरे में दो खिड़कियां खोली. इट वॉज एन आउटर रूम. यह बाहर का कमरा था. विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. और इसकी जो एक दीवार थी वह आंगन की ओर थी. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. यह एक टाइल्ड की रूप थी, अर्थात जो छत थी, जो इस घर की छत थी वह खपच्चियों से बनी हुई थी, टाइल्स से बनी हुई थी. विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स कहते हैं, आपने देखा हो घरों में जो ऊपरी तिकोना जो भाग होता है किसी हाउस का, किसी घर का. अब तो लेंटर वाले जो मकान बन रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो घर हुआ करते थे उसमें ऊपर कमरे सेकंड फ्लोर के ऊपर एक थर्ड फ्लोर रहता था जिसको दुछती कहते थे, बरसाती जिसे कहते हैं. तो उस दीवार पर जो गैवल्स थी उसने इस दीवार की जो बीम थी, बीम मीन्स जो शहती जो लकड़ियाँ लगी होती हैं, तिरछी लकड़ियाँ होती हैं दीवारों में, ओवर द वॉल दीवार के ऊपर. देयर वॉज नो सीलिंग. और उस कमरे में कोई सीलिंग नहीं थी. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. और उन बीम से, उन कड़ियों से क्या होता था, जो चूहे थे वो आते जाते रहते थे.
आगे है, जो चूहे थे उन कड़ियों पर आए आते रहते थे और जाते रहते थे, अर्थात उनका ट्रैफिक वो बीम्स थे। आई मेड माई बेड, मैंने बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और दीवार की तरफ या दीवार के नज़दीक इसको खींचकर ले गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं नीचे तो लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द बरामदा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और मैं बरामदे की ओर थोड़ा हवा खाने के लिए, अर्थात कहते हैं हवा खाने बाहर जाते हैं, तो वो भी थोड़ा हवा, क्योंकि गर्मियों का दिन था तो वो हवा के लिए बाहर गए। बट द विंड गॉड सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन जो पवन देव था ऐसा प्रतीत हुआ कि वो वहाँ नहीं था, अर्थात हवा नहीं चल रही थी, उनके कहने का अर्थ ये है। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं दोबारा कमरे में गया और मैं नीचे चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मेज के नीचे जो बॉक्स था मैंने उसे खोला, एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने एक किताब निकाली, द मैटेरिया मेडिका, और किताब का नाम क्या था, मैटेरिया मेडिका था, उसको निकाला। आई ओपन एट इट द टेबल ऑन विच स्टूड द लेंस एंड अ लार्ज मिरर, मैंने क्या किया, इस बुक को मेज पर खोला, ऑन विच, जिस मेज पर क्या था, एक लैम्प था एंड अ लार्ज मिरर, और एक बड़े आकार का क्या था, दर्पण था। अ स्मॉल कॉम ले विसाइड द मिरर, और एक छोटी सी कंघी जो थी वो दर्पण के बगल पर थी, विसाइड मीन्स बगल पर थी, बगल पर, समीप होना। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज नियर वन, कोई भी लालच में आ सकता है मिरर को देखने का, वेन इट इज नियर वन, यदि किसी भी व्यक्ति के पास के नज़दीक मिरर होता है तो प्रत्येक व्यक्ति में ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, मिरर उठाता है और उसको देखने लगता है। हमारे पास भी, हम भी कहीं जाते हैं तो हम, अगर हमारे पास वहाँ पे कोई नहीं है तो हम, और लेकिन मिरर है तो हम मिरर पकड़ते हैं और अपने चेहरे को उसमें देखते हैं, ये सभी में नेचुरली होता है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से मैंने भी मिरर देखने की कोशिश की। आई टुक अ लुक, मैंने अपने को निहारा, इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं उन दिनों सुंदरता का बहुत प्रशंसक था, अर्थात मुझे सुंदर लोग ज़्यादा पसंद आते थे। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ हैंडसम, और मैं खुद को ज़्यादा खूबसूरत बनाने में विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अविवाहित था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपनी उपस्थिति को कहीं दर्ज कराना चाहिए था, अर्थात मैं जहाँ भी जाऊँ लोग मुझे देखते रहें, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व मैं खुद का बनाना चाहता था। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघा उठाया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और मैंने उस कंघे को अपने बालों पर सवारा, उससे बाल सवारे, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और मैंने जो मांग होती है बालों के बीच, बालों के को दो भागों में बांटने के लिए मांग कहते हैं, पार्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, सो दैट, ताकि इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि यह सीधी लगे और बिल्कुल साफ सुथरी लगे, अर्थात मैंने अपने बालों को इस तरह से एडजस्ट किया, ऐसे इस तरह से संवारा और इस तरह से मांग बनाई कि वो मांग स्पष्ट, सभी को स्पष्ट दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, दोबारा मुझे वह आवाज़ ऊपर से फिर सुनाई दी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने उस दर्पण पर अपने चेहरे को ध्यान से देखा।
आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टेश टू लुक मोर हैंडसम। और मैंने निर्णय लिया, मैंने फैसला लिया कि मैं हमेशा दाढ़ी बनाऊंगा और बारीक पतली मूछों को रखूंगा ताकि मैं सुंदर लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक अविवाहित था, एंड अ डॉक्टर, और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने दर्पण पर देखा और मैं मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और महत्वपूर्ण, अर्थ शेकिंग मीन्स महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। क्या था वो डिसीजन? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं अपने चेहरे पर हमेशा इसी तरह की आकर्षक मुस्कान रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए मैं अपने चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान हमेशा बनाए रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं एक अविवाहित था, एक गैर शादीशुदा व्यक्ति था, अर्थात मेरी शादी नहीं हुई थी। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे भी ऊपर बड़ी बात थी कि मैं डॉक्टर भी तो था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, दोबारा मैंने उस आवाज़ को अपने ऊपर से सुना। आई गॉट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं कमरे में ऊपर और नीचे की ओर मैंने दौड़ तो नहीं लेकिन तेज़ कदमों से गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर मेरे दिमाग में एक सुंदर विचार आया। आई वुड मैरी, क्या विचार था वो? कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत पैसे होंगे और उसका अच्छा खासा मेडिकल बिजनेस चलता हो, अर्थात वह उसका जो उसकी डॉक्टरी है वो अच्छी खासी चलती होगी, उससे मैं शादी करूँगा। शी हैड टू बी फैट, अब वो कह रहा कि मैं ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जो मोटी होगी, फॉर अ वैलिड रीज़न, उसका एक ठोस कारण है। क्या कारण है भाई? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कुछ मूर्खतापूर्ण काम करूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, और दौड़ना चाहूँ, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो कह रहा है कि यदि मैं कुछ मूर्खतापूर्ण काम करूँ या कुछ मेरे गलत कार्य होंगे तो क्या होगा, यदि मैं भागना चाहूँ तो वो मोटी होगी तो वो क्या करेगी, मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी और मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अब देखिए ऐसे आइडियाज़ आ रहे थे उसके दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का घर। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मेज के सामने जो चेयर थी मैं उसमें फिर बैठ गया और मेरे दिमाग में ऐसे विचार आए। देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, इस समय ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। सडनली देर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, अचानक क्या हुआ कि एक थड की आवाज़ आई। थड मीन्स ऐसा लगना जैसे कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरती है, उस तरह की आवाज़ जो होती है, ऐसी ही आवाज़ मुझे प्रतीत हुई। कहाँ? ग्राउंड, ज़मीन पर। ऐसा लगा कुछ ऐसी चीज़ गिर गई हो ज़मीन पर जिसकी आवाज़ एक रबर ट्यूब के गिरने जैसी थी। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं है। इवन सो आई थॉट, यहाँ तक कि मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, कि मैं पीछे चारों ओर मुड़ूं एंड टेक अ लुक, और मैं फिर देखूं। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट,
स्नेक रेगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माय शोल्डर। जैसे ही जो ही मैं मुड़ने को तैयार हुआ या जो ही मैं मुड़ना चाहा, तभी एक मोटा सांप कुर्सी के पीछे से मेरे कंधे पर उतर आया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, जो सांप था वह मुझ पर अब उसने लैंड कर दिया था, अर्थात वह मुझ पर था। एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, जैसे ही सांप मुझ पर आया अर्थात मेरे कंधे पर लैंड किया उसने, वह मेरे कंधे पर बैठा और मेरा जो मुड़ना था वो एक साथ हुआ। अर्थात जैसे ही मैं मुड़ा, डॉक्टर कह रहे हैं जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही मेरे कंधे पर वह भी बैठ गया। आई डिडंट जम्प, मैं नहीं कूदा। आई डिडंट ट्रेम्बल, और मैं नहीं कांपा। आई डिडंट क्राई आउट, मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को करने का उस समय समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर, और जो सांप था वह मेरे कंधे के सहारे सहारे, स्लिदर मीन्स होता है फिसलना, फिसला। एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और उसने मेरी बाई बाँह को क्या कर दिया, लपेट दिया। अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर, जो मेरी कोहनी थी उससे ऊपर मेरी लेफ्ट बाँह को उसने लपेट दिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो फन था वो बाहर की ओर आया था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सिर था वह मुश्किल से मेरे चेहरे से 3 या 4 inch दूर होगा, अर्थात बहुत नज़दीक था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, इट वुड नॉट बी करेक्ट, यह कहना सही नहीं होगा कि केवल जो मैं वहाँ बैठा हुआ था मैंने अपने सांस को रोके हुए था। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति उस समय बन गया था जिसकी सांस नहीं चल पा रही थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं जड़वत हो गया, मैं पत्थर जैसा हो गया, मैं बुद्ध बन गया, मैं एक मूर्ति की तरह वहाँ पर बैठा रहा। फिर आगे है, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो बहुत सक्रिय था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और जो दरवाज़ा था मेरा, मेरे कमरे का जो दरवाज़ा था उससे बाहर अंधेरा दिख रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और जो रूम था, कमरा था, उसमें अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, जो लैम्प था, चिमनी थी, उसका जो प्रकाश था, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं एक हार्ड मांस का, एक हार्ड मांस मीन्स एक जीवंत व्यक्ति तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे एक मूर्ति की तरह उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, मुझे उस समय इस संसार और इस ब्रह्मांड के रचयिता की उपस्थिति की याद आई, अर्थात अब मैं भगवान को याद करने लगा। गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ था। सपोज आई सैड समथिंग, यदि कुछ मैं कहूँ, माना मैं कुछ कहता, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसे यह पसंद नहीं होता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउट साइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड ओ गॉड, मैंने अपनी कल्पना में सुनहरे अक्षरों में यानि चमकीले अक्षरों में अपने छोटे से हृदय के बाहर लिखने की कोशिश की, और मैं उसको लिख पाया, अर्थात मैं इमेजिन कर रहा हूँ लिखने की। क्या इमेजिन की उसने लिखने की, ओ गॉड, हे भगवान। देर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाई बाँह में कुछ पेन सा हो रहा था, दर्द हो रहा था। इट वॉज, यह था एज मानो अ थिक लेडन रॉड, एक शीशे की जो रॉड होती है उसे, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्ट एंड फायर, एक ऐसी रॉड जिस पर की जो कि आग में
पिघलाई गई हूँ, अर्थात आग में रखी गई हूँ। इतना दर्द हो रहा था मानो एक शीशे की रॉड को, एक शीशे के की छड़ को आग में रखा गया हो। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, वो जो सांप था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शीशे की रॉड मेरे बाह में घुसा दी गई हो, जो कि गर्म रॉड थी, और वो मेरे आर्म को, मेरे आर्म मीन्स मेरी बाह को क्या कर रही थी, क्रश कर रही थी, शक्तिशाली ढंग से क्रश कर रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेंड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था कि मेरी बाह में, मेरी बाई भुजा में कोई शक्ति नहीं थी। देर वॉज नो पावर इन माई लेफ्ट आर्म, वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, यदि मैं थोड़ा भी गति करता, स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा भी, मूवमेंट मीन्स हलचल, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तो अगर मैं जरा भी हिलता तो सांप मुझ पर प्रहार करता। डेथ लॉग्ड 4 inches अवे, जो मृत्यु थी वो मुझसे 4 inch दूर घात लगाए हुए थी, अर्थात वो फिराक में थी। सपोज इट स्ट्रक, अब मैं सोच रहा हूँ कि यदि इसने क्या किया, मुझ पर डंक मारा, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, मुझे कौन सी दवा लेनी पड़ेगी। देर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, उस कमरे में कोई भी दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, उस समय मैं एक असहाय बेचारा मूर्ख सा डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया, एंड स्माइल्ड फेवली एट माई सेल्फ, और मैं कमजोरी के साथ खुद पर हंसने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी मुस्कुराहट को भगवान ने भी एडमायर किया, प्रशंसा की उसकी। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, और सांप ने अपने सिर को मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने अपने प्रतिबिंब को कहाँ देखा, दर्पण में देखा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपने प्रतिबिंब को उसने दर्पण में देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, कि यह पहला सांप था। That had ever looked into a mirror, जिसने मिरर में देखा, कभी मिरर में देखा होगा, अर्थात मैं दावा नहीं करता कि ये पहला सांप था जिसने पहली बार मिरर में देखा होगा। But it was certain that, लेकिन यह निश्चित था कि the snake was looking into the mirror, लेकिन ये बात तो निश्चित थी कि सांप दर्पण में खुद को निहार रहा था। Was it admiring its own beauty, क्या यह अपनी ही सुंदरता को की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, क्या यह कोशिश कर रहा था, कि देखो आप दर्पण के सामने सांप है और सांप अपने को देख रहा है। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वह अपनी छवि को दर्पण के और नज़दीक जाकर देखना चाहता था, इसलिए वह मेरी बाई भुजा से उतर गया था। टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, ऐसा लग रहा था कि वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा है। अबाउट ग्रोइंग अ मॉन्स्टर्स और यूजिंग आई शेडो एंड मैसाक्र और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स हेड फॉर हेड, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुँच चुका है और उसने महत्वपूर्ण फैसला किया है। क्या करने का, अबाउट ग्रोइंग अ मॉन्स्टर्स, कि वह भी मूछें उगाएगा, और यूजिंग आई शेडो, और जो आई शेडो होती हैं यानी आँख पे जो काजल लगाए जाते हैं, मैसाक्रे जो होते हैं आँख पर लगाने का जो काजल होता है या काला रंग होता है, और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट, और ऐसा लग रहा था कि उसने निर्णय ले लिया हो, शायद वह संभवतया वह अपने माथे पर सिंदूर लगाएगा। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं जानता था। वट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वह किस प्रकार के लिंग का था, अर्थात वह मादा
सांप था या नर सांप था, वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट्सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, क्योंकि वह धीरे धीरे मेरे बाईं भुजा से नीचे उतरा और वह फिसल कर मेरी गोद में जा बैठा। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वह रेंगते हुए टेबल की ओर गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और दर्पण की ओर वह मुड़ा। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वह सम्भवतया वह इस दर्पण में अपने छवि को, अपनी जो छवि है, अपने चेहरे को, अपने शरीर को ध्यानपूर्वक देखने में उसको आनंद आ रहा था। वो चाहता था कि मैं अपने शरीर को दर्पण में निहारूं। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं पहले की तरह पत्थर जैसा नहीं रहा। पत्थर जैसा नहीं रहा कब था वो, पत्थर की तरह कब, एक मूर्ति की तरह कब था वो, जब उसकी बाईं भुजा पर वह सांप लिपटा हुआ था। उस समय वह क्या था, एक बुत जैसा वहाँ पे था, एक मूर्ति की तरह अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह सांप अब दर्पण के बिल्कुल नज़दीक जा चुका है, तो वो कह रहा है, यानी डॉक्टर कह रहे हैं कि अब मैं उस तरह का पत्थर या जड़वत नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अचानक मैं एक हाड़ मांस का व्यक्ति हो गया, अर्थात मैं जीवंत हो उठा। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपनी सांस को रोके हुए था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरामदा, और मैं धीरे धीरे बिना शोर किए हुए वहाँ से दरवाजे की ओर आया जो कि बरामदे की ओर खुलता था। फ्रॉम देयर, वहाँ से आई लैप्ड इन टू द यार्ड, मैं छलांग लगाते हुए कहाँ की ओर गया, बाहर आंगन में गया। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और उतनी तेज गति से मैंने वहाँ से दौड़ लगाई जितनी मैं दौड़ लगा सकता था। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, अ साई ऑफ रिलीफ मीन्स होता है चैन की सांस लेना। हीव्ड, हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस लेते हुए, राहत की सांस लेते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए फ्यू का शब्द उन्होंने एक्सक्लेम किया। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, किसी ने पूछा कि डॉक्टर आपकी पत्नी जो है वो अब वो मोटी है, वो बहुत मोटी है क्या? तो क्या कह रहे, नो द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा गुड विल्ड अदरवाइज, सॉरी गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान ने कुछ और ही चाहा था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन नीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, भगवान ने कुछ और ही चाहा था, मेरी पत्नी एक ऐसी साथी है जो कि बहुत पतली है, रेडी पर्सन है, नरकुल की जैसे दिखती हैं, बहुत पतली हैं, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और उनके उनमें जो है एक धाविका, एक वो एक धाविका भी हैं, अर्थात तेज़ गति से दौड़ने वाली भी हैं। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी ने अन्य ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर क्या जब आप अपने घर अपने कमरे से बाहर आए तो सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, डॉक्टर ने जवाब दिया और कहा कि मैं इतनी तेजी से दौड़ा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच पाया, तब तक मैं दौड़ता रहा। इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तुरंत ही मैंने अपने ऊपर तेल डाला और मैंने एक बात लिया, अर्थात मैंने स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने नए कपड़े पहने या साफ सुथरे कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे दूसरी सुबह
आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को अपने साथ लिया, एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। मैं अपने साथ अपने मित्र और दो या तीन, एक और दो अन्य लोगों को अपने कमरे में रखी हुई वस्तुओं को हटाने गया, अर्थात उनको लेने गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास ले जाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था, बहुत कम बचा हुआ था। सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ किसी चोर ने मेरी अधिकांश चीज़ों को वहाँ से उठा दिया था, हटा दिया था, उठा दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो कमरा था वो बहुत बहुत साफ किया गया। साफ किया गया मीन्स उसमें जो सामान थे उनको उठाया गया। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा भी नहीं था। कमरा पूर्ण रूप से साफ नहीं किया गया था चोर द्वारा। साफ करने का अर्थ चोरी करना, मतलब कमरे में जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें नहीं उठाई गई थी। वास्तव में क्या था, द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, चोर ने एक चीज़ को वहाँ छोड़ दिया था जो मेरी अंतिम बेइज्जती करने के लिए पर्याप्त था, अर्थात उन्होंने अंतिम रूप से मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वट वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो क्या चीज़ थी जिसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने उसको छोड़कर मेरी बेइज्जती की। वट वॉज दैट, वो क्या था, आई आस्क। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो कि गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनिनेस, उस चोर में सफाई के प्रति बहुत समझ थी, अर्थात वह साफ सुथरे में, साफ सुथरे कपड़ों को ही मेरे घर से ले गया, मेरे कमरे से ले गया, अर्थात उसमें गंदा और सफाई की, गंदगी और सफाई की व्यापक समझ थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो बदमाश शायद इसको यानी इस बनियान को वह बदमाश ले जाता, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और इसको वो साबुन और पानी से धोकर इसको दोबारा अपने लिए पहनने के लिए इस्तेमाल करता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर क्या आपको दूसरे दिन सांप दिखाई दिया। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने इसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, यह एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता पर मोहित हो गया था, अर्थात वह एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता को निहारने के लिए उसने दर्पण में लगातार वह देखता रहा, जब तक कि वह अपनी सौंदर्यता को अच्छी तरह से ना निहार पाए। तो ये लेसन यहीं पे कंप्लीट हो गया। दिस लेसन इज़ रिटन बाय वैकोम मोहम्मद बशीर और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय बी अब्दुल्ला। मलयालम भाषा में ये लिखा गया था और इसको अब्दुल्ला जी ने इसको ट्रांसलेट किया। तो आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए हों।